हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मलक स्केल। आज हम एक्यूरेट कंपनी के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन करते हैं, जिसका मॉडल है AE990W। तो कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंडिकेटर को ऑन कर लेना है। जैसे ही ऑन करेंगे तो इसकी रीडिंग चलेगी। जब 00 पोजीशन में आ जाएगा तो मोड के बटन को प्रेस करके रखना है। ये P2 लिखा हुआ आ गया है, फिर से मोड का बटन प्रेस किया, P3 आ गया, फिर से मोड का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे ये पिन कोड मांग रहा है। इसका पिन है स्विच स्विच टेयर स्विच, ये इसका कोड हमने लगा दिया है। उसके बाद प्रिंट का बटन प्रेस किया, P4 लिखा हुआ आ जाएगा, मोड का बटन प्रेस करेंगे, P5 आ जाएगा। फिर प्रिंट के बटन से इंटर हो गया, ये यहाँ पे इसकी डिवीजन है। तो ये स्विच के बटन से हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो 100 ग्राम के लिए हमने 1 रख दिया। ये इसके डेसिमल पॉइंट आ गया है, स्विच के बटन से ये भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट हमने 1 रख दिया इसका। उसके बाद प्रिंट का बटन प्रेस कर दिया, ये यहाँ पर फुल कैपेसिटी आ गई। तो स्विच के बटन की मदद से ये भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्विच से आगे आ गए और टेयर के बटन से हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2000 kg हमने इसकी फुल कैपेसिटी रख दी। उसके बाद प्रिंट का बटन प्रेस किया, PS P5 आ गया, फिर मोड का बटन प्रेस किया, P7 आ गया। प्रिंट के बटन से इंटर हो जाएंगे, ये अनलोड लिखा हुआ आ गया है। तो इसका मतलब है प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी वजन नहीं होना चाहिए, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली होना चाहिए। प्रिंट का बटन प्रेस किया और इसके बाद जो हमारे पास डेड वेट वेल है वो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है। ये 100 kg हमारे पास डेड वेट है, 50-50 kg के दो वेट हैं जो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देने हैं। इनको सेंटर में रख देंगे। वेट रखने के बाद डेड वेट की वैल्यू लिखेंगे स्विच और टेयर के बटन से। तो स्विच से हम आगे आ गए और टेयर के बटन से यहाँ पे हमने 100 kg लिख देना है। इसके बाद प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे तो कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी।